स्पीकर। The number you have dialed is currently busy. इस वाले नंबर पर कॉल करने वाली। ओए क्या हुआ? हेलो गाइस, वेलकम टू जिनिया फन टाइम अगेन, एंड मैं हूँ जिनिया। तो इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैं लेकर आ गई हूँ कॉलिंग ऑन हंटिंग नंबर एट 3 AM वाली वीडियो। तो चलो विदाउट एनी मोर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि टाइम क्या हो रहा है। अभी देख लिया तो अभी मैं ये चैलेंज करने वाली हूँ। तो डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं मम्मी को मेरे साथ बुला ली हूँ। मम्मी अभी आएगा कुछ देर बाद, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, मम्मी को मैंने पुकार ली है। मम्मी आ गई है। मम्मी जरा मेरे गाइस को हाई बोल दो। हाय। अरे तो अपा हाई। हाँ ये है मम्मी की हाथ, हाई बोला है। ऐसे मत करो भाई, लोग भूत समझेंगे तुमको। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों को मेरा हॉन्टेड नंबर दिखाती हूँ, फिर चैलेंज करते हैं। मैंने अपना सारा हॉन्टेड नंबर यहाँ पर लिख रखी है। तो फर्स्ट मैं इस वाले नंबर पर कॉल करने वाली हूँ। ओए क्या हुआ? ऐसे ही डर गई, सामान गिर गई पीछे। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, तो फर्स्ट नंबर 408634208 06, ये 10 डिजिट का नंबर है। तो हो सकता है ये कहीं भूत का नहीं बल्कि एक इंसान का नंबर है, तो कॉल करती है। 40 40 86 86 34 34 28 28 06 06। ये देख लीजिए गाइस, मैंने टाइप कर ली है। अब मैं कॉल करती हूँ, फिर मैं स्पीकर में देती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं हुआ गाइस। मतलब बोलती है कि नंबर जांच करके देखिए आपका डायल किया गया नंबर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये जाते ही कट गया। दोबारा ट्राई करते हैं। ये रहा नंबर कॉल। कुछ नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट नंबर पर ट्राई करते हैं, काश कुछ हो। गाइस आप ये वॉलेट देख पा रहे हैं? वॉलेट सबके फोन में ही आता है। तो मैं जब अभी मैंने नोटिस किया, मैं जब कॉल कर रही थी ना, तो ये वॉलेट गायब हो गया। मैं आपको फिर से कॉल करके मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। तो मैंने कॉल लॉक खोल लिया है, ये रहा खोल लिया। अब मैं रिसेंट में जाती हूँ। ये मैंने कॉल किया एंड आई स्पीकर ऑन कर दिया। देखिए वॉलेट चला गया, देखने आपने वॉलेट चला गया है, बल्कि ऐसा कभी नहीं होता है। तो कुछ देर रुकने के बाद वॉलेट आ जाता है। थोड़ा रुकिए आप, अब भी वॉलेट आ जाएगा। ये क्यों हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं गाइस, अब भी वॉलेट आ जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए वॉलेट आ गया। तो ये क्या हुआ आई डोंट नो, कि ये भूतिया कुछ था या टेक्निकल प्रॉब्लम, पर ये अजीब था। मैं सेकंड नंबर तक बोलो तो। हाँ बोलो। 9 7 9 7 8 4 8 4 3 5 3 5 0 1 0 1 6 3 6 3। मैंने टाइप कर लिया है। फोन फिर से फिसला रहा है मेरा। ये फोन का क्या माजरा है, हर चैलेंज में फिसलता है। तो ठीक ठाक कर लिया है मैंने। कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो कुछ अजीब हो गया फिर से। दोबारा कॉल करते हैं। ओए कॉन्टेक्स्ट में चला गया है भगवान। नहीं फिर से वही आवाज आ रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ नंबर अगर इनवैलिड हो तो ऐसे पीप पीप करता है, उतना भी ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं था। नेक्स्ट।
बट गाइस ये नंबर से ना वॉलेट नहीं गया, मैं आपके सामने फिर से कॉल करती हूँ, आप नोटिस करना कि वॉलेट जाता है कि नहीं। ओके, स्पीकर मैंने ऑन कर दिया, देखिए वॉलेट वहीं पर ही है, समझ गया। तो उसका क्या था, आई डोंट नो, सेकंड वाला कर, सॉरी थर्ड वाला करते हैं। गाइस नेक्स्ट जो नंबर है ना उसमें बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ, 20 20 20 20, जो कि हमारा ये साल इतना बुरा जा रहा है, वायरस ये वो या इतना सब कुछ बुरा हो रहा है, तो 2020 इस नंबर में है, तो आई जस्ट मतलब बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है करने पे, पर आपके लिए तो मैं कर ही सकती हूँ गाइस, रुको मैं कॉल करती हूँ। ये कर रही हूँ, 2020 2020 2020 कॉल, वो वीडियो कॉल हो गई। लुक एट दिस, वॉलेट फिर से गया, सॉरी गलती से वीडियो कॉल हो गई थी मेरी, मैं फिर से करती हूँ कॉल, देखिए वॉलेट नहीं है, ये वॉलेट का क्या माजरा हो रहा है, आई डोंट नो गाइस, ये वॉलेट फिर से चला गया, आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, पर वॉलेट बार बार क्यों जा रहा है, आई डोंट नो, वॉलेट आने देता है, आ गया, देखिए सेम एग्जैक्ट सेम हुआ दो बार, मुझे डर लगने लगा है गाइस, क्योंकि वॉलेट बार बार क्यों जा रहा है, ये मम्मी का नंबर है, अगर इस नंबर का कुछ हुआ तो आप समझ सकते हैं मम्मी मेरी कितनी अच्छी, बाकी आप समझ गए, तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर ना काफी अजीब है, 4444444, इतना सारा फोर है, 9094444444, इतना सारा फोर, करते हैं देखते हैं क्या होता है। गाइस पहले तो मैं इस नंबर को लेके बहुत मजा कर रही थी, मजाक उड़ा रहा था, पर इस नंबर में ना रिंग हुआ, और आप जरा ध्यान से सुनना कि इस नंबर में रिंग हुआ है, उसके बाद इसने बिजी भी बोला, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा डरावना है, तो आप ध्यान से सुनना, वो बहुत कम आवाज़ में आई है रिंग वाली वो ट्यून, आप ध्यान से अपने कान के पास लेकर सुनो कि रिंग हुआ है। अब चलो आप लोग वीडियो देखो, मैंने डायलिंग करके मैं लिख दूंगी, कान के पास लेकर सुनना। मैंने टाइप कर लिया है, देखिए नंबर, तो अब इसको कॉल, स्पीकर। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल। गाइस ये क्या हुआ? बिजी? मतलब ये नंबर एग्जिस्ट करता है? गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने एक वीडियो देखी थी नीलांजना धर की, उसके साथ ना ये सेम चीज हुआ है, फर्स्ट टाइम उसने कॉल किया बिजी बोला, एंड लास्ट टाइम जब उसने कॉल किया कोई पकड़ा फोन और उसको वीडियो कॉल किया, तो मेरे तो हार्ट बीट बढ़ गया। मैं कमेंट फिर से ट्राई करती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। लेट्स डू दिस अगेन। फिर से करते हैं। The number you have dialed is currently busy. Please try later. Guys, एक बात हुआ कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है, पर वॉलेट देती हूँ। हाँ वॉलेट इसमें है, मम्मी ने पूछा वॉलेट है कि नहीं, ये एयरटेल भी है वॉलेट भी है, तो ये नंबर एग्जिस्ट करता है, मतलब बिजी नहीं बताती, और बिजी बताया फिर रिंग भी हुआ, रिंग होने के बाद बिजी बोला, तो ये नंबर एग्जिस्ट करता है पर कोई पकड़ा नहीं, खुदा का लाख लाख शुक्र है। अब और भी एक नंबर बाकी है, करते हैं नेक्स्ट वाली जो नंबर है वो है 8304765664, तो सुनने में काफी अजीब है, तो करते हैं, मम्मी जरा मुझे बताना। 8304765664 टाइप कर लिया है, कॉल करते हैं।
यू आर नॉट डायलिंग अ वैलिड नंबर, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपने जे नंबर टी डायल कर ची। ये तो कुछ नॉर्मल बोला कि आपने जिस नंबर को डायल किया है वो ठीक नहीं है, तो उसका अलग अलग शब्द बढ़ते हैं। ये है सिक्स नंबर वाली डिजिट, मतलब डिजिट सिक्स है, काउंट कर सकते हैं आप, काउंट कर लीजिए। तो अब मैं इसमें कॉल करने वाली हूँ। कॉल 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 ये तो पहला वाली की तरह हो गया, तो मैं इसको और ट्राई नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो 090444 वो वाले मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि रिंग हो गई थी अचानक से, हार्ट बीट मेरा अभी भी धक 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 कर रहा है। वॉलेट तो देखो, वॉलेट हाँ इसमें भी वॉलेट है, तो वॉलेट का माजरा तो भी बंद हो गया है जब से रिंग हुआ, नोटिस किया जब से रिंग हुआ तब से वॉलेट का माजरा तो गया। सो गाइस, और मैं नहीं करना चाहती हूँ, यही था आज का वीडियो। पार्ट टू रिकमेंड प्लीज मत बोलना कि पार्ट टू चाहिए, मेरा मैं बहुत ज़्यादा फट्टू हूँ, मेरा पूरा फट गया ये करते हुए, तो पार्ट टू मत बोलना। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। लव यू ऑल। वेट गाइस, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, मेरे साथ और भी बहुत कुछ हुआ है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो वीडियो कंटिन्यू देखो। गाइस अभी 4 बज गए हैं और मैंने मम्मी के साथ फ़ोन किया, तो वो ना 4 बार रिंग हुआ, वो 090 वो वाली नंबर, तो मैं ना फिर से कॉल करने वाली हूँ। मैं एक स्पेशल चीज़ करके, मतलब मैं जब बोला मैं एक स्पेशल चीज़ किए हूँ उसके बाद ही उतना बार रिंग हुआ, तो मैं आपके सामने स्पेशल चीज़ करने वाली हूँ। चार्ली चार्ली, क्या आप मेरे से बात करना चाहते हो? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं अभी आपको फ़ोन करती हूँ, आप मेरा फ़ोन पकड़ना प्लीज़। चार्ली चार्ली आर यू हियर? चार्ली चार्ली आर यू हियर? चार्ली चार्ली आर यू हियर? अब करते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मैंने जब कॉल किया तब 4 बार रिंग हुआ, अभी ये स्विच ऑफ बोल रहा है। अगर ये किसी का नंबर ना हो तो स्विच ऑफ कैसे बोलेगा? क्या हो रहा है इस गाइस में, इसमें ना मिस्ट्री है, इस नंबर में कुछ तो मिस्ट्री है इसमें। पर गाइस मुझे इस नंबर का मिस्ट्री जानना था, इसलिए हमने तो ये 4 अगस्त में शूट किया है मेरे और मेरी मम्मी ने, तो 5 अगस्त रात 12 बजने के, मतलब 1 बज रहा है तब, 12:59 में हम फिर से कॉल किया उस नंबर में, और तब क्या बोला वो आप देखिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखा है, देखिए वीडियो। 090 1234 1234। করোনা ভাইরাস বা কোভিড-19 এর সঙ্গে আজ পুরো দেশ লড়ছে, কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের রোগীর সঙ্গে লড়তে হবে, রোগীর সাথে নয়। ওদের সাথে ভেদাভেদ করবেন না, ওদের দেখাশোনা করুন। আর এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য যারা আমাদের ঢাল, যেমন আমাদের ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মচারী, পুলিশ ইত্যাদি, ওদের সম্মান করুন, ওদের পুরো সহযোগিতা করুন। এই যোদ্ধাদের করুন দেখাশোনা, তো জিতবে দেশ, শেষ হবে করোনা। বিশদ তথ্যাদির জন্য স্টেট হেল্পলাইন নম্বর 0332341200 বা সেন্ট্রাল হেল্পলাইন নম্বর 1075 কল করুন। ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अगर कोई नंबर रोज कोई यूज करता है तभी तो उसमें कोरोना वायरस का ये जो अभी कॉलर ट्यून लगा रखा है वो सुनाएगा, मतलब ये साबित हो गया कि ये नंबर कोई यूज करता है, हर रोज यूज करता है। यही था आज का वीडियो गाइज़।